सैफ अली खान से तलाक लेकर अलग हुई थी अमृता, तो बच्चों को भी होना पड़ा था अपने पिता से दूर। नवाब सैफ की बजाय अमृता को मिली थी बेटे और बेटी की कस्टडी, तो आज तक पापा सैफ के साथ नहीं रह पाई उनकी बेटी। माँ संग अलग घर में रहती है पटौदे की शहजादी। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान अपने चुलबुले और मस्त मौला अंदाज के लिए तो जानी ही जाती है, तो वहीं सारा एक ऐसी स्टार किड रही है जिन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता का अलगाव भी देखा था। इसका असर नन्ही सारा पर कुछ यूं हुआ कि पटौदे की शहजादी होने के बावजूद उन्हें पिता से अलग रहना पड़ा। तलाक के बाद अमृता को बेटे बेटी की कस्टडी मिली, तो उन्होंने बड़ी ही सादगी से बच्चों की परवरिश भी की, जिसका नतीजा ये हुआ कि नवाबी खानदान की बेटी होने के बावजूद सारा एकदम सादी जिंदगी जीने लगी। आज के समय में वो सड़कों से कपड़े खरीदती हैं, तो करोड़ों की कार में चलने की बजाय वो आम गाड़ी में सफर करती हैं। सारा को देख कोई इस बात पर यकीन ही नहीं कर पाता कि उनके पिता सैफ अली खान के पास 1200 करोड़ की संपत्ति मौजूद है। पिता के पास इतनी दौलत और शौहरत होने के बावजूद सारा ना तो उनके साथ रहती है और ना ही उनके जैसे लग्जरियस लाइफस्टाइल को फॉलो करती है। ऐसे में आम लोगों के मन में ये सवाल बार बार आता है कि भला सारा अपने नवाब पिता के साथ उनके लग्जरी घर में क्यों नहीं रहती है। तो अब इन सवालों का जवाब B24 आपके लिए ले आया है। दरअसल अपने पिता सैफ की बजाय मां अमृता सिंह के साथ रहने के बारे में खुद सारा अली खान ही अपने एक इंटरव्यू में बात कर चुकी है। तब सारा ने बात करते हुए कहा था कि माँ मेरी दुनिया है, मैं उनके बिना कुछ कर ही नहीं सकती। कपड़ों से लेकर लड़कों तक हर चीज में मेरे लिए उनकी राय मायने रखती है। मैं एक घरेलू माँ की बेटी हूँ, मैं और वो एक साथ कमाल है। मेरे पास मम्मी जैसा दिल और पापा वाला दिमाग है, मुझे उनके साथ रहने में बेहद खुशी मिलती है। सारा के इस जवाब से जाहिर हो गया है कि वो एक ममाज गर्ल हैं। अमृता के बिना उन्हें अपनी लाइफ में कुछ भी करने में काफी परेशानी होती है, और यही वजह है कि वो अपने पिता सैफ और स्टेप मॉम करीना की बजाय माँ अमृता और छोटे भाई इब्राहिम के साथ अलग घर में रहती हैं। वैसे सारा की जिंदगी में अमृता की इतनी अहमियत होना तो बनता भी है, आखिर सैफ संग तलाक के बाद वो अमृता ही थी जिनके ऊपर दो दो छोटे बच्चों को संभालने और बड़ा करने की जिम्मेदारी आ गई थी। सैफ भले ही बच्चों का खर्चा देते थे, लेकिन पैसे और लग्जरी चीजों से बच्चों की परवरिश तो नहीं की जा सकती। पर तमाम मुश्किलों के बावजूद अमृता ने अपने दोनों बच्चों को संस्कारों के साथ बड़ा किया और अपनी सारी जिंदगी सारा इब्राहिम के नाम ही कर दी। पहले पति से अलग होने के बाद अमृता ने ना तो कभी किसी से इश्क लड़ाया और ना ही किसी संग घर। वहीं दूसरी तरफ अमृता से अलग होने के बाद सैफ ने खुद से 10 साल छोटी करीना कपूर से शादी रचाई। सैफ और करीना के दो बच्चे जी और तैमूर हैं, जिनके साथ वो बांद्रा की फॉर्चून हाइट्स में रहते हैं। अक्सर सारा और इब्राहिम अपने अब्बा सैफ से मिलने उनके घर आते जाते रहते हैं। फैमिली फंक्शंस और बर्थडे के मौके पर सैफ का परिवार एक साथ जुटता है। आपस अमृता खुद को इस सब से दूर ही रखती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट B24।